कलियां, नई नई कलियां आएंगी, नए नए फूट आउट होंगे, तो दिसंबर में आते आते, दिसंबर जनवरी में आते आते बहुत अच्छी ग्रोथ, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी दोबारा से निकलें, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो इसके फूल काट सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र है। दोस्तों जैसे कि आप ये सामने पौधे देख रहे हैं कि ये और एक ये गुलाब के पौधे हैं, और आपको मैं अगर दिखाऊं, ये पीले रंग का फूल है इस पे, आप ये अगर देखेंगे तो। और ये कल ही मैं जो है नर्सरी से लेके आया हूँ, और ये देखिए इस पे तो चींटियाँ भी लग गई हैं, ये देख रहे हैं, इन चींटियों को पता नहीं क्या इसमें दिखाई देता है। तो ये येलो रंग का है, और ये अगर आप देखेंगे तो ये पीच कलर का है। ये देखिए दो फूल इसमें लग रहे हैं, और दोनों जो है इंग्लिश जो वैरायटी है उनकी है। तो इसके एक के लिए तो मैंने जो है पीले के लिए मैं यहाँ पर, और जो पीच कलर का है उसके बाद जो ये वाला जो पौधा है इसको निकाल के इसकी जगह मैं गुलाब लगा दूंगा, और इसको जो है इसमें जो है इसको जो है मैं गमले में ट्रांसफ़र कर दूंगा, ये वाला जो आप देख रहे हैं इसको, तो इसको मैं जो है गमले में ट्रांसफ़र कर दूंगा। एक मेरे पास प्लास्टिक की बड़ी बाल्टी है उसमें ट्रांसफ़र कर दूंगा, तो दोनों जो हैं इंग्लिश गुलाब हो जाएंगे दोनों तरफ। और एक मेरे पास रेड कलर का, तो तीन वैरायटी मेरे पास इंग्लिश है, और एक मेरे पास वैरायटी जो है वो देसी वाइट कलर की है। तो चलिए पहले इसको ट्रांसप्लांट करते हैं। तो दोस्तों मैंने ये जगह बना ली है, करीब करीब आप ये मान लीजिए 1.5 फुट ऐसे है और 1.5 फुट ऐसे है, तो मान लीजिए 1.5 बाय 1.5 की मैंने एक छोटा सा वो क्यारी सी बना दी है, और उसमें ये जो है देखिए गाय का गोबर मैंने डाल दिया है इसमें, अब मिक्स कर देंगे इसको। और ये जो डले हैं अगर टाइट हैं तो नहीं फूट रहे हैं, तो आप जैसे इनमें पानी डालेंगे तो उसके बाद ये जो है पानी सोख लेगा, उसके बाद नरम हो जाएगा, तो इसको ऐसे मिला देंगे। और ये जो गुलाब का पौधा है इसको निकाल के इसकी जो लाल मिट्टी है कोशिश करेंगे थोड़ी सी निकाल दें, क्योंकि ये चिकनी मिट्टी होती है। मैंने पूरी जो है ये जड़ नेकेड कर ली है, अब इसके ऊपर थोड़ी सी, अब क्योंकि जड़ नेकेड कर ली है तो इसमें फंगिसाइड ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि फंगस लगने की चांसेस ज़्यादा हैं, तो पहले फंगिसाइड ऐड कर देते हैं। तो दोस्तों अब ये देखिए ये मेरे पास फंगिसाइड है, इसको थोड़ा सा जो है मैं इसमें मिला दूंगा। इसका रीज़न ये है कि एक तो जो है इसमें मैंने जो गोबर का खाद डाला है वो अभी बारिश का मौसम गया है, तो उस वजह से थोड़ी सी अगर उसमें फफूंद या वैसा कुछ लग रहा होगा तो वो नहीं लगेगा, जिसकी वजह से जो है फंगस जड़ों में नहीं लगेगी। और क्योंकि हमने जड़ निकाली है पेड़ की, तो इस वजह से जो है अब इसमें फंगस फंगस ना लगे, तो इसीलिए ये लगाया है। अब ये देखिए अब इसको ऐसे लगा देंगे, और चारों तरफ से अच्छे से दबा देंगे, ताकि एक तो एयर पॉकेट्स जो हैं वो ख़त्म होंगी, दूसरी पेड़ का जो तना है उसकी चारों तरफ मिट्टी अच्छी तरह बैठा देंगे, तो और इसका ध्यान रखना क्योंकि इंग्लिश ग्राफ्ट ग्राफ्टेड होते हैं, तो ग्राफ्ट का ध्यान रखना है, ज़्यादा ग्राफ्ट को नीचे आपको नहीं लगाना है। तो दोस्तों जैसे कि अब हमने इसमें खाद डाल दिया है, ऊपर से फंगिसाइड ऐड कर दिया है, जड़ हमने इसकी नेकेड कर ली थी, तो इस वजह से जो है थोड़ा सा इसको ये मुरझा सकता है, तो इसको क्या करेंगे, वैसे तो ये छाया में लग रही है, छाया इसमें रहेगी लेकिन थोड़ी सी धूप आ रही है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको चारों तरफ से एक ग्रीन नेट ला के इसको ढक सकते हैं। और क्योंकि इसमें जो अभी एकदम से जो जड़ें मिट्टी छोड़ दी थी उसकी वजह से क्या है कि इसको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी दोबारा से निकलें, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो इसके फूल काट सकते हैं, फूलों को काट दें अगर आपको लगे कि पेड़ मुरझा रहा है, उसके बाद फूलों को काट दें, और फिर जो है जैसे ही ये अपनी आ जाएगी अपनी एक्चुअल सिचुएशन में वापस आ जाएगा पौधा, उसके बाद जो है आप अपना
इसमें फूल ले सकते हैं। और अगर जैसे मैंने तो पूरी जड़ नेकेड कर दी थी, आप 50% जड़ मिट्टी निकाल सकते हैं, उसके बाद जो है आप फिर से इसमें पूरी मिट्टी अगर आप ना निकालना चाहें तो आप जो है इसको वैसे बिना निकाले लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भाई मिट्टी नहीं निकालना चाहता मैं, तो आप जो है इसमें थोड़ी सी मिट्टी निकाल के जब जड़ें थोड़ी सी बाहर निकल जाएं, उसके बाद तभी इसमें जो है आप इसको लगा दें, वो भी आप लगा सकते हैं। और कुछ नहीं है इसमें ऐसा कुछ, गुलाब के पेड़ में कोई खास ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं होती है। आप चाहे टेरेस गार्डन पर लगाएं, चाहे आप मिट्टी में लगाएं, चाहे किसी गमले में लगाएं, जहाँ पे भी लगाएं गुलाब बहुत अच्छे लगते हैं पेड़ों में लगाएं। क्योंकि अभी अक्टूबर का मंथ चल रहा है, तो ये 1 महीने में बिल्कुल सेट हो जाएगा। और जैसे ही, और अब इसकी कलियाँ, नई नई कलियाँ आएंगी, नए नए फूटाव होंगे, तो दिसंबर में आते आते, दिसंबर जनवरी में आते आते बहुत अच्छी ग्रोथ, तो उसकी भी एक इसी में एक वीडियो अपडेट कर दूंगा। धन्यवाद।